क्या आप भी अपने पड़ोसी से परेशान है? क्या आपका पड़ोसी भी कहीं कचरा डाल देता है, कहीं नाली के पानी को निकासी नहीं करने देता है, या कहीं भी अपनी गाड़ी को पार कर देता है, या आपकी गाड़ी को पार करने के लिए जहां आप गाड़ी पार करते हैं वहां कोई रुकावट डालता है? इस तरह से आप परेशान है, अपने घर में लाउड म्यूजिक में गाने चलाता है, या कोई गाली गलौज करना, कोई शराब पीकर कोई नाटकबाजी करना, इसी तरह से परेशान है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसे आप कानून वाला के नाम से जानते हैं। मैं आपका दोस्त रविंद्र, और आज हम जानेंगे कि ऐसे पड़ोसी को जो आपके हर काम में बाधा डालता है, हर कदम कदम पर वो आपके लिए ऐसी मुसीबतें खड़ी कर देता है जिनसे आप रोज फेस करते हैं, तो ऐसे पड़ोसी को आकर सबक कैसे सिखाएं। ऐसे पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए सबसे सीधा और इजीली तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जो एक कॉल के माध्यम से आप उसका समाधान कर सकते हैं, बल्कि आप उसे इस तरह उसका समाधान करेंगे कि वो दोबारा चाहे किसी का भी छेड़ा करे पर आपके छेड़े नहीं करेगा, आपसे दो कदम दूर रहेगा। इसीलिए इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। सबसे पहली बात, जब भी वो ऐसे कार्य करता है या आपके घर के पास में कचरा डाल देता है, आपके घर के सामने से कोई भी व्हीकल हो, टू व्हीलर या फोर व्हीलर को भगा के निकालता है, स्पीडली निकालता है, या आप जहां गाड़ी पार करते हैं वहां पर किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल आगे खड़ा कर देता है, या कोई व्हीकल खड़ा रहता है उसका छेड़ करता है, या उस पर कोई स्क्रेच वगैरह कर देना, कांच वगैरह को तोड़ देना, इसी प्रकार के कोई और भी कार्य हो सकते हैं, अपने घर में अपने स्वयं के मकान में वो लाउड स्पीकर में गाने चलाता है, और इसके बाद में गाली गलौज करना, शराब पीना, इस तरह से आप रोज़ रोज़ उससे परेशान हैं, तो उसकी एक तरह से रिकॉर्डिंग कर लीजिए, क्योंकि एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उसकी शिकायत करेंगे तो उसकी शिकायत को साबित करने के लिए आपके पास सबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप कीजिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद हर भारत के हर जिले में, हर तहसील में और हर ऐसी जगह पर जहां पर आप निवास करते हैं SDM या DM अवश्य बैठता है। तो आप नेट पर SDM या DM के नंबरों को सर्च कीजिए और उनके नंबर इंटरनेट पर इजीली तरीके से मिल जाते हैं, तो उन नंबरों को आप सर्च कीजिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो नंबर आपको इंटरनेट पर मिलते हैं उन्हें उन पर कॉल कीजिए। कॉल कर जो आपके अपनी शिकायत बताइए, अपनी लोकेशन बताइए, अपना नाम पता, एड्रेस, सब कुछ बताने के बाद कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, उस शिकायत पर कार्रवाई होगी। SDM या DM साहब की तरफ से उसके उस व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस वालों को भेजा जाएगा उसे पकड़ने के लिए। उस व्यक्ति को पुलिस आएगी पकड़ने, और जब उसे पकड़ कर ले जाएगी थाने, तो थाने ले जाने के बाद उसे डांट फटकार कर और उससे जुर्माना भरवा कर उसे पहली दफ़ा तो डांट फटकार लगा कर ही छोड़ दिया जाता है, वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है कि उसे एक तरह से सबक मिल जाता है। रही बात दूसरी की, यदि आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि यदि उसने फिर से ऐसा ही कार्य किया तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यदि वो दोबारा ऐसा करता है तो आपको फिर ऐसा ही करना है, उसकी फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर वही नंबर इंटरनेट से निकाल कर उन पर दोबारा कॉल करना है, और अपनी पहली शिकायत का भी हवाला दीजिए। जब आप उसकी ऐसी शिकायत का हवाला देंगे तो उस आपकी शिकायत पर ज़्यादा गौर किया जाएगा, और SDM या DM की तरफ से उससे पकड़ने के लिए दोबारा पुलिस भेजी जाएगी, और इस बार उसे ये सब बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला होता है, क्योंकि इस बार पश्चातवर्ती अपराध किया है उसने, लोक नुशंस के मामले में पश्चातवर्ती अपराध किया है, आम जनता को, साधारण जनता को परेशान करने का पश्चातवर्ती अपराध किया है। इस अपराध में एक बार समझाने के बाद यदि व्यक्ति दोबारा वही अपराध करता है, दोबारा वही शिकायत आती है, तो उस व्यक्ति को 6 माह का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन अधिकांश ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि पश्चातवर्ती जब भी मामला होता है, पश्चातवर्ती मामले में हमेशा उस व्यक्ति को 6 माह का कारावास ही दिया जाता है, क्योंकि 6 माह का कारावास तक इसमें प्रावधान किया गया है, इसमें ज़्यादातर कारावास की ही संभावना ही रहती है, क्योंकि पहली दफ़ा तो उसे जुर्माना देकर छोड़ दिया गया था, उसने दोबारा यही अपराध किया है तो अब उसे जुर्माना देकर छोड़ा नहीं जाएगा, अब उसे जेल भेजा जाएगा ताकि उसे सबक मिल सके और वो दोबारा आपके ना तो छेड़े करें ना ही कभी आपके रास्ते में रुकावट आए।
इस तरह के पड़ोसियों को सबक सिखाइए, ताकि पड़ोसी कभी भी आपके रास्ते में बाधा ना बने, आपके रास्ते में रुकावट ना डालें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कानून वाला को फॉलो कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नए सेशन से। जय हिंद, जय भारत।